हमारा गैस खत्म हो गया था अनफॉर्चुनेटली. दिस इज ओके. सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. और कैसे हैं आप सब? तो आज है संडे एंड इट्स अ फन डे. ऑफ कोर्स संडे को सबकी छुट्टी होती है, तो आज तो मस्त घर पे रहना है. तो आई एम गोइंग टू कुक समथिंग फॉर द नाश्ता. और मुझे नहीं पता कि वो क्या टर्न आउट होने वाला है, बट आई एम ट्राइंग. मैंने लिया है पीनट चूरा और सोयाबीन. तो तीनों को मिला के कुछ तो फ्राई वगैरह करके और फिर कुछ तो बनाएंगे उसका मस्त सा. तो चलिए विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. जस्ट इग्नोर माय लेजी फेस. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो मैंने सोयाबीन को पानी में भिगा दिया है और हमारे पास ये रहे पीनट्स और ये रहा हमारे पास चूरा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स मेक द नाश्ता. कल हमारा गैस खत्म हो गया था अनफॉर्चुनेटली, तो हम अभी यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वाला चूल्हा. या सो हियर इज आवर चूल्हा एंड वी आर गोना स्टार्ट एंड देन वी प्रेस फंक्शन. सो हमने पैन रख दिया है. अब इसमें हम लोग ऑयल डालेंगे या फिर घी डालेंगे थोड़ा सा, जस्ट टू फ्राई द मूंगफली का दाना एंड चूरा. So I have added some oil and then थोड़ा सा मूंगफली का दाना, जो कि मैं अभी थोड़ा सा इसको रोस्ट फ्राई कर लेती हूँ. So here is our soybean जो कि रेडी है. I guess this is okay. तो हमारा चूरा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है एंड वी विल पुट थोड़ा सा सोयाबीन. आई एम गोना पुट साल्ट लिटिल बिट ऑफ चिली पाउडर. सो आई मिक्स लिटिल बिट ऑफ हल्दी और थोड़ा सा पानी ताकि मैं इसको पोहे टाइप का शेप दे सकूं. अब पता नहीं मैं क्या फिगर आउट करने की कोशिश करूं, लेकिन टेस्ट अच्छा कर रहा है. तो देखिए ये पोहे की तरह हो चुका है. थोड़ा सा इसमें नींबू मिलाऊंगी फिर ये खाने के लिए रहेगी. और इसने टाइम तक थोड़ा वो चलाने की वजह से ये रोस्ट भी हो चुका है. ये मूंगफली का दाना एंड दिस सोयाबीन एंड दिस चूरा ऑल्सो. अगर आप भी ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा. आई थिंक ये इजी तरीका है पोहा बनाने का, कि वट एवर आई डोंट नो. मैंने पहले ऑयल लिया पैन में, उसमें मूंगफली का दाना डाला, वो थोड़ा फ्राई कर लिया. फिर उसमें मैंने चूरा डाला और उसके बाद फिर मैंने सोयाबीन काट के डाला. उसमें नमक और मिर्ची का पाउडर, क्या वो चिली पाउडर डाला थोड़ा सा एंड देन फिर थोड़ी सी हल्दी डाली और थोड़ा सा उसको रोज थोड़ा सा चला के फिर उसमें हल्का सा पानी डाला ताकि जो चूरा है वो थोड़ा पोहे के शेप में आ जाए. फिर मैंने उसको अच्छे से ऐसे थोड़ी देर रोस्ट करा और अब ये देखिए आप कितना बढ़िया हो चुका है. लुकिंग सो गुड. ये है मेरे मेहनत का फल और ये बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है. क्रंची हो चुका है, यू कैन सी. मैंने पता नहीं पोहे को उल्टे तरीके से बनाया कि क्या किया है, बट नींबू डालने के बाद और बढ़िया लग रहा है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो. और ये नहीं है कि मैं पोहा नहीं बनाती हूँ, नहीं बना पाती हूँ, बस आज मेरा मूड था कि मैं कुछ भी जल्दी जल्दी में कुछ भी बन जाए, भूख लगा हुआ था बहुत जोर से. सो मैंने ये रेसिपी ट्राई की. तो अगर आपको ट्राई करना होगा तो ट्राई करके ज़रूर बताइएगा. तब तक के लिए टाटा बाय बाय. चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ लाइक करिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा. तब तक के लिए टाटा.